नमस्कार प्रियजनों, आप देख रहे हैं सीयूटी पाठशाला, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज है, लेटेस्ट अपडेट है। थंबनेल देख के तो आप इस वीडियो को जरूर देखेंगे, और मैं बता दूं कि मैं आपसे स्टार्टिंग में ही सॉरी बोलना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि आप मुझे माफ कर दें। ये वीडियो मैं आपको इसलिए दिखाना चाहता हूं क्योंकि यहां से आपको अपडेटेड रहना है। अभी मैंने देखा यूट्यूब पे इस तरीके के वीडियो बनाए जा रहे हैं कि सीयूटी यूजी एग्जाम पोस्टपोन। भाई आप इस तरीके के भड़काऊ थंबनेल लगा दोगे तो बच्चा क्या सोचेगा, अरे यार पोस्टपोन्ड हो गया, आपने डेट भी मेंशन कर दिया, अब उस डेट तक वो सो जाएगा। ऐसा मत करो भाई। मैंने देखा कि एक पर्टिकुलर बच्चे के ईमेल पे वीडियोस बना के भाई किसी एक व्यक्ति को मेल एंटीए कर सकता है कि आपको दूसरा डेट दिया जा सकता है। कई बार ऐसा होता है कि एंटीए कुछ ग्रुप्स आप स्टूडेंट को एकदम लास्ट में एग्जाम कराएगा, तो आप एक पर्टिकुलर एक बच्चे के ऊपर अगर वीडियो बना बना के डालोगे तो बहुत बड़ा ग्रुप ये सोच लेगा कि हमारा एग्जाम भी 25 से 28 वाला पोस्टपोन हो गया, अब इस डेट को किया जाएगा। भाई प्लीज, आपको मैं एक बात समझाना चाह रहा हूं। जो बच्चे भी इस वीडियो को देख रहे हैं, सबसे पहले से उनको सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि यहां पर आपको ए टू जेड 100% ट्रू और ऑफिशियल अपडेट मैं आपको दूंगा। मैं उस न्यूज को देखने के बाद पैनिक हुआ, उस वीडियोस को देखने के बाद, और मैं भी अपने बच्चों से पूछा कि आपका एडमिट कार्ड 25 से 28 नहीं आया, जबकि उनका ये कहना है कि हमारा एडमिट कार्ड आया है। कुछ एक दो केसेज में नहीं आया है, जो कि ट्विटर के कमेंट में भी मुझे देखने को मिला। ऐसा नहीं है, वीडियो को कमेंट में भी मिला, एकदम गलत नहीं है, एक दो बच्चों का। मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूं कि प्लीज आपका जो भी शिफ्ट है, आपका जो भी एग्जाम का शेड्यूल दिया जा रहा है, जो भी डे और डेट दिया जा रहा है, जो भी सिटी दिया जा रहा है, मैं आपको स्टार्टिंग में क्या बोला था, आप डेली इवनिंग अपना एडमिट कार्ड चेक करो जब तक आप एग्जाम दे नहीं लेते हो। आपका एडमिट कार्ड का सिटी, सेंटर, डेट, प्लेस, शिफ्ट सब कुछ बदल सकता है भाई, चूंकि ये एनटीए है। मैं आपको हमेशा से बात बोलता हूं, कभी भी इन लोगों ने अपने दिए गए स्टेटमेंट को फुलफिल नहीं किया है। इन्होंने कहा कि 10 दिन में एग्जाम करा लेंगे, ऐसा हुआ नहीं हुआ, 10 दिन में एग्जाम ही नहीं करा पाएंगे। भाई इतना बड़ा ग्रुप है, इतना बड़ा अमाउंट है स्टूडेंट्स का, ये हाउ इज इट पॉसिबल कि पूरा एग्जाम कंडक्ट करा ले स्टूडेंट्स का। मैं आपसे बस इतना कहना चाह रहा हूं कि प्लीज सोने से पहले आप अपना एडमिट कार्ड एक बार चेक करके सोया करिए, जब तक आप एग्जाम दे नहीं लेते हो। मैं आपको यहां तक बोल रहा हूं कि जब तक एडमिशन हो नहीं जाता है ना, आप मेरे चैनल को देखते रहो, कुछ मत करो। मैं आपको खुद बताऊंगा कि हाँ इस डेट का एडमिट कार्ड आ गया, इस डेट का सीटी आ गया है, आप जाके सेंटर देख लो, सब कुछ बता दूंगा मैं। सो प्लीज आप इस तरीके के थंबनेल और इस तरीके के टाइटल से बचें। बेसिकली आपको ध्यान देना है कि 25 से 28 से आने वाले समय में जून तक जाएगा ये, तो आप इन सभी चीजों से बच के, उलझनों से हट के, मैं आपको बता रहा हूं एक बहुत अच्छा मंत्र, वो ये है, सोने से पहले अपने एडमिट कार्ड को चेक किया करो। एक बात और है, जब तक आपका पूरा सब्जेक्ट कम हो नहीं जाता है, सपोज कि एक स्टूडेंट है, मैं हूं, मैंने बीकॉम, बीए एलएलबी और बीए तीनों डाला, बीकॉम के लिए 2 डोमेन, बीए एलएलबी और बीए के लिए 1 लीगल, मतलब 3 डोमेन हो गया, 1 लैंग्वेज और जीटी, टोटल मुझे 6 एग्जाम देने हैं, राइट, 6 एग्जाम देने हैं, और मैंने एडमिट कार्ड चेक करा। अब मैं देख रहा हूं कि मेरे एग्जाम यहां पे एडमिट कार्ड पे 2 ही शो कर रहे हैं, 4 बचे हुए हैं, इसका मतलब वो 4 अपडेट हो सकते हैं, 2 दिन 3 दिन अगले शिफ्ट में अपडेट हो सकते हैं। तो आप अपने उन 2 एग्जामों के साथ साथ अगले एग्जाम के लिए अपने एडमिट कार्ड को अपडेट करते रहो, चेक करते रहो। जैसे नया सिटी आए, नया डेट आए, उस एग्जाम का डे आए, आप उस एग्जाम को दो। सिंपल सा फॉर्मूला है भाई, आप डेली इवनिंग अपना एडमिट कार्ड चेक करो, बात खत्म करो। कई बार एनटीए की टीम आपको पर्सनली कांटेक्ट भी करती है, अगर आप उनके इंक्वायरी डालते हो तो, फिर आप उनसे बोल के अपना नया डेट ले सकते हो। ये है यार, ये सब चीजें एक्सपीरियंस है लास्ट ईयर का। सो प्लीज पैनिक मत हो, कोई डेट पोस्टपोन अगर होता है तो उसके लिए आपको खुद पता चल जाएगा, अब अपडेटेड रहो। मुझे ये बुरा लगा ना कि ऐसा ना हो भाई 25 से 28 करोड़ का सो जाए, ये सोच के पोस्टपोन हो गया, हमारा जून में होगा। मान लो किसी कारण से बस वो थंबनेल देख के वीडियो छोड़ दिया, फिर क्या सोच लेगा, मिस हो सकता है भाई। सो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, बेल आइकन प्रेस कर लो, मुस्कुराते रहो। मैं आपको टाइम टू टाइम अपडेट दूंगा, काउंसलिंग तक आपका साथ दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, मुस्कुराते रहिए। बहुत सारी शुभकामनाएं। हरे हरे महादेव।